नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ। इस वक्त आप देख रहे हैं इंटरनेट 24 न्यूज, जहां आपको अवगत करवाऊंगा उत्तर प्रदेश और बिहार दो राज्यों से। दो राज्यों का मतलब ये है कि एक ऐसा सिंगर जो बचपन से उसने गाना गाना शुरू किया, इसके बाद धीरे धीरे वो एक बड़ा सिंगर बना और इंटरनेशनल यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय पर उसका नाम चर्चा का विषय बना रहा। इसके बाद वही व्यक्ति धीरे धीरे फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और कहीं ना कहीं आज वो एक बड़ा एक्टर और बॉलीवुड स्टार के नाम से जाना जाता है, जो कि बिहार के पवन सिंह है। पवन सिंह हाल ही में जो है मीडिया के सामने आया और उन्होंने चर्चा करते हुए ये बताया कि हम कई फिल्म कर चुके हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में हम अपने आप को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। और विषय उन्होंने बताया है महाराज, यानी कि आदित्य योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने कहा कि महाराज के चलते उत्तर प्रदेश में एक अलग ही सुरक्षा महसूस करते हैं, जहां कि हम बिहार से ज्यादा हमारी जो शूटिंग होती है वो उत्तर प्रदेश में होती है और उत्तर प्रदेश में कई सारे ऐसे एक्टर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सारे यहां पर मौजूद होते हैं और उन्हें ये लगता है कि हम कहीं ज्यादा सुरक्षित यहां पर है। उन्होंने चर्चा करते हुए ये भी कहा कि हम बहुत जल्द जो है उतरेंगे चुनाव के मैदान में और विधानसभा या लोकसभा का चुनाव जो भी होगा उस चुनाव में हम उतरेंगे और चुनाव लड़ना हमारा तय है। कैसे उन्होंने कहा ये बात देखिए। कि हम फिल्म बनाए तो सेफ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, डायरेक्टर भी चाहता है कि हम फिल्म बनाए तो सफल रहे। बिल्कुल, एक एक्टर भी चाहता है कि हम फिल्म बनाए तो सफल हो, क्योंकि इस लाइन में इसकी ऊंचाई का, वो कलाकारी गायकी हो या एक्टिंग हो, इसकी ऊंचाई का कोई हद नहीं है। मैं आपको बता दूं, मैं लगातार एक साल से यूपी में ही शूट कर रहा हूं। बिल्कुल, कहीं जाने का मुझे फुर्सत नहीं मिला इवेंट छोड़ के। जी जी, इवेंट तो आदमी हर जगह करता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो लखनऊ है, बनारस है, गोरखपुर है। अभी गोरखपुर में मैंने किया लाखन सिंह, बनारस में किया हर हर गंगे, जो सफाई अभियान के ऊपर ही फिल्म बनी है, बहुत अच्छी गई फिल्म, सुपरहिट रही, 50 डेज मनाई बिहार में। और लखनऊ में तो अगर मैं यहां से हटूं और मैं बोलूं कि हाँ मुझे काम करना है तो लखनऊ कैमरा लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये महाराज जी की ही कृपा है। हम सारे कलाकार को, चाहे भोजपुरी से कलाकार हो या हिंदी से हो या साउथ से हो, हर लैंग्वेज का शूट चल रहा है यूपी में। बिल्कुल, तो हर कोई यही सोच के आ रहा है ना कि हाँ सेफ हैं, महाराज जी के आंगन में हम लोग जा रहे हैं। बिहार के पवन सिंह, जो कि पावर स्टार पवन सिंह एक एक्टर यानी कि नायक हैं, भोजपुरिया एक्टर माने जाते हैं, जहां लगातार इनके गाने फेमस होते देखे जाते हैं। हाल ही में उन्होंने एक फिर से भी हाल ही में गाना उन्होंने लॉन्च किया है, जहां पर महाकाल और राम पर उन्होंने ये गाना गाया। हालांकि उनका कहना ये है कि हम बिहार में उतना सुरक्षित महसूस नहीं करते जितना उत्तर प्रदेश में करते हैं। उत्तर प्रदेश में एक ही नहीं, कई ऐसे एक्टर हैं जो कि देखे जाते हैं कि उनके द्वारा ऐसे ऐसे कलाकारी होती है जो लोगों के लुभावनाओं यानी कि कहीं ना कहीं लुभावने होते हैं लोगों के लिए, जिनको लगातार लाड और प्यार मिलता है। ऐसे ही हैं, जहां कि मैं आपको बता दूं, अरविंद अकेला उर्फ कल्लू। कल्लू वो है जो कि लगातार उनके द्वारा सिंगिंग की गई बचपन से ही। ये सबसे ज्यादा उनका पॉपुलर जो गाने की अगर बात की जाए तो पॉपुलर ऐसा गाना रहा जहां मुर्गा वाला एक सॉन्ग आया और इसके बाद उन्होंने धमाल मचा दिया। फिर इसके बाद कई ऐसे लगातार उन्होंने गाने पर गाने गाने पर गाने दिए और इसके बाद वो खुद एक्टर बने। यानी कि बात की जाए अगर भोजपुरिया की, तो कई ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने सिंगिंग से शुरू किया और आज एक नायक बनकर खड़े हैं। कहीं पावर स्टार की बात करें या फिर सुपर स्टार खेसारी लाल या फिर निरहुआ की बात की जाए, दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ की अगर बात की जाए तो वो भी एक ऐसे एक्टर बने। हालांकि उनकी सिंगिंग की अगर बात की जाए तो उन्हें गाने में तो कोई रुचि नहीं, लेकिन सबसे ऊपर और सबसे ज्यादा हिट फिल्म देने वाले और उनका अच्छा खासा रिस्पांस, और साथ ही मैं आपको बता दूं कि सबसे महंगे भोजपुरी के इस एक्टर की जब बात की जाती है तब दिनेश लाल का नाम ऊपर ही होता है, क्योंकि दिनेश लाल सबसे पहली फिल्म जो उनकी बात की जाए कि सबसे ज्यादा चलने वाली अगर कोई फिल्म थी तो वो थी निरहुआ रिक्शा वाला, जो कि गली गली के रिक्शे खड़े हो गए और वहां पर यह देखा गया कि रिक्शा वाले फिल्म देखने के लिए पहुंचे और जमकर भीड़ लगी रही। कई टॉकीज में हाउसफुल देखने को मिला कि हाउसफुल ये पूरे टॉकीजों में देखने को मिला।
एक चीज और स्पष्ट मैं आपको करवा दूं कि अब तक दिनेश लाल यादव भी राजनीति में घुस चुके हैं और सांसद बने, वहीं मनोज तिवारी भी कहीं ना कहीं एक सिंगर रहे, इसके बाद वो भी नायक बने और इसके बाद वो भी राजनीति में उतरे जो कि सांसद रहे और आज भी हैं। लेकिन अब बात इस बात की आ रही है कि पवन सिंह भी उन्होंने अनाउंस कर ही दिया है कि हम बहुत जल्द कहीं ना कहीं राजनीति में एंट्री करेंगे। हालांकि उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इसके पहले भी हम एंट्री करना चाहते थे लेकिन हमारे साथ लीला हो गई, और लीला अगर हो गई है तो कैसे हमको टिकट मिलल या मिली, ये चीज की इस चीज के लिए भी उन्होंने बात बोला है। उनके बयान में क्या है ये चीजें देखिए। चुनाव लड़ूंगा ये तय है, ये पार्टी को लेकर पार्टी कौन सी होगी, स्थान कौन सा होगा, ये अभी तय नहीं किया हूं, बट चुनाव लड़ूंगा ये तय है। अच्छा कॉलेज वाला जी, तो मैं तो जाके घर पे बैठ गया एक दोस्त के यहाँ कि मैं टीवी पे नाम देखूंगा, उसके बाद नाम देखने के बाद मैं अपनी माँ का पैर छूंगा, आशीर्वाद लूंगा, फिर अपने स्थान पे जाऊंगा। बट पता नहीं भाई साहब कहां से 3-4 घंटे में लीला हो गया गेम हो गया पवन सिंह पे, जो कि पवन सिंह वहां तक सोचा ही नहीं था कि मेरे पे गेम भी हो सकता है। इस बार आपका नाम तो इसलिए ये है क्योंकि पवन सिंह कहीं भी जाता है तो आज के डेट में अगर 100 भाई खड़े हैं तो 90 भाई बोल रहे हैं पवन भैया जिंदाबाद। तो मेरा जीवन मुझे ऑडियंस ही मुझे गायक बनाया, नायक। कॉलेज वाला गाना वाह। कॉलेज में जब मैं पढ़ता था वो उन दिनों की कहानी है, कॉलेज में जब मैं पढ़ता था वो उन दिनों की कहानी है, मेरी याद में आज भी रोती है क्या बात है? एक ऐसी पगली दीवानी है। लगातार बने रहें तन 24 न्यूज पर, और कैसी लगी आपको खबरें ये भी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपकी राय जानना चाहेंगे, जहां आपको राय देना भी होगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपका इस सब्सक्राइब और शेयर से हमारा हम खुद मोटिवेट होते रहें और आपको लगातार खबरें देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।